उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में शानदार वापसी हुई है। इस जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जमकर जादू चला। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका भी काफी अहम रही। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में उनको जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने अधिकांश में सफलता दिलाने में खास भूमिका अदा की। राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता में वापसी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की क्षमता को भी साबित कर दिया है। पिछले साल सितंबर में यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने प्रभारी के रूप में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी और वे पिछले 6 महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन में और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के कामों में जुटे हुए थे। अपनी ओर से धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी की सफलता के पीछे पीएम मोदी के दृष्टिकोण, अमित शाह के मार्गदर्शन, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संगठन को लेकर कौशल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों का योगदान बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने जीत के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी की जनता ने जाति धर्म और तुष्टिकरण की राजनीति पर सुशासन, विकास की राजनीति और महिला सुरक्षा को चुना। यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए खासा महत्वपूर्ण था। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यह चुनाव कई मायने में खास था। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के लिए बीजेपी की ओर से प्रभारी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान को चुना गया। ये जिम्मेदारी उनके लिए भी कई मायनों में खास थी और ऐसा नहीं था कि उनको पहली बार इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और बिहार के प्रभारी के रूप में भी काम संभाल चुके हैं। उत्तराखंड में भगवा पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों की देखरेख भी की थी। अभी हाल ही में फरवरी महीने में उड़ीसा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए। पंचायत चुनाव के दौरान ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान की अनुपस्थिति रही क्योंकि चुनाव उसी समय हुए जब यूपी समेत 4 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। बीजेपी को पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और सीटों के लिहाज से देखें तो संख्या काफी कम रही। पंचायत चुनाव में पार्टी की हार के लिए एक बड़ा कारण लोग इसे भी मान रहे हैं। 2017 के पंचायत चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान की निगरानी धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। जिला पंचायत चुनावों में भगवा पार्टी की संख्या 2012 में 36 से बढ़कर 297 हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में ही राज्य में चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 21 लोकसभा में से 8 में जीत हासिल की थी। यूपी में भाजपा को मात देने के लिए सपा चीफ अखिलेश यादव ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाति नुमाइंदगी वाले दलों के साथ लेकर रणनीति तैयार की थी। वेस्ट यूपी में जाट मुस्लिमों को एक साथ लाने के लिए आरएलडी से गठबंधन किया तो पूरब में राजभरों के असर वाले सुभाषपा को साथ लिया। क्षेत्रवार जातीय गणित के हिसाब से अपना दल कमेरावादी, महान दल जैसे दलों को साथ लिया। इस पूरे जातीय गोलबंदी का जवाब बीजेपी ने इस चुनाव में अपने ही तरीके से दिया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।